हेलो एवरीबॉडी वेलकम एट ए बेमन यू आई एस द लीडर इन द प्रेपरेशन फॉर द यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विच हैज़ सो फार प्रोड्यूस्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सिलेक्शन इन ए टाइम स्पेन ऑफ जस्ट ट्वेंटी थ्री सिंस इट्स बिगनिंग इन 1999 मेरा नाम डॉक्टर एच एस सिद्धू है मैं बेमन्यू आई एस में इंडियन इकानमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टीच करता हूं।

तहत आज जो uh, मैंने टॉपिक डिस्कशन के लिए लिया है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ एम्बेस्टर वर्सेस हाई कमिश्नर दीज आर द टू इम्पोर्टेंट टर्म्स विच वी ऑफ़न यू कैन से कम अक्रॉस व्हेन वी लिसन द न्यूज़ और व्हेन वी रीड द न्यूज़पेपर्स पेपर एट्सट्रा सो बट uh, कई बार हमें इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस क्या है उसकी क्लैरिटी नहीं होती सो दैट इज़ वाई आई थाट दैट आई शुड टेक दिस टॉपिक टुडे फॉर डिस्कशन सो ये जो एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर होते हैं ये दोनों डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं किसी कंट्री के किसी दूसरे कंट्री में अगर हम कंट्री की कैटेगराइजेशन करते हैं तो हम दो कैटेगरीज में कंट्रीज़ को डिवाइड कर लेते हैं एक वो कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं विच कंट्रीज़ आर मैंबर्स ऑफ द कामन वेल्थ अबाउट फिफ्टी थ्री कंट्रीज आर देर विच आर द मेम्बर्स ऑफ द कामनवेल्थ एंड एक वो कंट्रीज जो कॉमन वेल्थ के मैंबर नहीं हैं मीन्स द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड सो जो कामन वेल्थ कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के uh, एक दूसरे मीन्स कॉमन वेल्थ मेंबर कंट्रीज़ के एक दूसरे कंट्री में जो भी डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं उनको हाई कमीशन्स कह, कहते हैं और जो कॉमनवेल्थ कंट्री के बिना दूसरे कंट्रीज़ के जो किसी भी कंट्री में जो डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं उनको एम्बेसीज बोलते हैं सो so, एम्बेसीज uh, के अंदर जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यू कैन से द कंट्री टू विच द एम्बेसी बिलोंग सो उनको हम एम्बेस्डर कहते हैं मीन्स हेड्स ऑफ द एम्बेसीज आर नोन एज द एंड हेड्स ऑफ द हाई कमिशन्स आर नोन एज द हाई कमिश्नर सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अम्बेस्डर एंड द दिस हाई कमिश्नर ओके सो हम इसको थोड़ा देखते हैं अम्बेस्टर वर्सेज हाई कमिश्नर एम्बेस्टर इज़ द चीफ डिप्लोमेट इन एन एम्बेसी सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी एम्बेसी के अंदर किसी चीफ डिप्लोमेट की बात करेंगे तो उसको हम एम्बेसडर कहेंगे एंड हाई कमिश्नर इज़ द चीफ डिप्लोमेट इन ए हाई कमीशन जब हम किसी हाई कमीशन के अंदर किसी चीफ डिप्लोमेट की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम हाई कमीशन बोलेंगे सो बोथ आर इंडिया टॉप रैंकड रिप्रजेंटेटिव फॉर एग्जीक्यूटिंग इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो दो इट इज़ एम्बेस्टर और इट इज़ ए हाई कमिश्नर बिकॉज इंडिया एक कॉमनवेल्थ मेम्बर कंट्री है सो दैट इज़ वाई अदर कॉमनवेल्थ कंट्री में जो भी इंडिया के डिप्लोमेटिक कमिशन हैं उनको हम हाई कमीशन कहते हैं सो so, उनके जो चीफ डिप्लोमेट हैं वो हाई कमिश्नर रहेंगे राइट सो so, अगर हम देखते हैं कि चाइना है जैसे चाइना किसी भी चाइना एज सच देश uh, कॉमनवेल्थ uh, का मेंबर नहीं है सो दैट इज़ वाई चाइना के वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी डिप्लोमेटिक मिशन हैं उनके जो चीफ डिप्लोमेट होते हैं वो एम्बेसडर ही रहेंगे चाइना का कोई हाई कमिश्नर नहीं है वर्ल्ड में कहीं पर भी इंडिया के जो है यू कैन से कॉमनवेल्थ कंट्री में जो चीफ डिप्लोमेट्स हैं वो हाई कमिश्नर हैं और जो कॉमनवेल्थ कंट्री के बिना जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड में जो इंडिया के चीफ डिप्लोमैट्स हैं वो अम्बेस्डर रहेंगे सो धो इट इज अम्बेस्डर और इट इज हाई कमिश्नर बोथ आर इंडिया टॉप रैंकड रिप्रजेंटेटिव द मेन जॉब ऑफ हु इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी इन डिफरेंट नेशंस

एम्बेसी वर्सेज हाई कमीशन को हमें समझना होगा वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये दोनों क्या रहते हैं ओके सो एम्बैसीज आर डिप्लोमेटिक मिशन सेंट टू नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज वेयर एज हाई कमीशन्स आर डिप्लोमेटिक मिशन सेंट टू कॉमनवेल्थ कंट्रीज सो एक नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको अम्बेसी कहते हैं और एक जो कॉमनवेल्थ कंट्री में जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको क्या बोलते हैं उसको हम हाई कमीशन बोलते हैं सो दिस इज़ द मेन और वी कैन से द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द हाई कमीशन एंड वी कैन से दिस एम्बेसी ओके सो बस इतना ही याद रखने कि हमने जो कंट्रीज हैं हमने उनको दो पार्ट्स में ले लिया है वन इज़ द कामवेल्थ मेम्बर्स ओके वन इज़ द कामनवेल्थ कंट्रीज और द कामनवेल्थ मेंबर्स एंड दूसरा है नॉन कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो आपस में uh, एक कॉमनवेल्थ जैसे इंडिया है इट इज ए कॉमनवेल्थ कंट्री यूके इज ए कॉमनवेल्थ कंट्री इंडिया का यूके में जो डिप्लोमेटिक मिशन है दैट इज ए हाई कमिशन एंड यूके का इंडिया में जो डिप्लोमेटिक मिशन है दैट इज़ हाई कमीशन इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में जो डिप्लोमेटिक मिशन है दैट इज़ हाई कमीशन बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज मबर ऑफ द कॉमनवेल्थ इंडिया इज आल्सो ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में जो डिप्लोमेटिक मिशन है दैट इज नोन एज द हाई कमीशन सो दैट इज़ वाई इनको हम हाई कमीशन बोलते हैं सो जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री के किसी दूसरे कंट्री में जैसे अमेरिका है अमेरिका का इंडिया के अंदर जो डिप्लोमेटिक मिशन है दैट इज़ नोन एज द एम्बेसी उसको हाई कमीशन नहीं बोलेंगे सिमिलरली भारत का जो अमेरिका के अंदर जो हाई कम, जो डिप्लोमेटिक मिशन होगा दैट इज़ नोन एज द एम्बेसी उसको हाई कमीशन नहीं बोलेंगे बिकॉज दोनों कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं हैं एक इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है यूएस जो दूसरा कंट्री है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है इसलिए इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे एम्बेसी बोलते हैं ओके सो दिस इज़ द

एंड जो हेड ऑफ़ हाई कमिशन होता है वो हाई कमिश्नर होता है एंड स्कोप ओनली सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कैन रिसीव सर्विसेज जो एम्बेसी होगी जैसे जो इंडिया की एम्बेसी यू में है या जो यू की एम्बेसी इंडिया में है वो ओनली एंड ओनली हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इंडिया के एम्बेसी यू में तो वो वहाँ जो इंडियन हैं इट विल एड्रेस दोज ओनली only citizens of the country can receive services. Okay, वो ही services ले सकते हैं या फिर उस country के अंदर अगर कोई non citizen है उस उसने अगर कोई visa वगैरह लेना हो तो वो उसको address करेंगे and ये जो high commission है it serves members of other countries also besides those of its own. ये अपने citizens को तो serve करते ही करते हैं उसके साथ साथ Uh, दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्री के सिटीजन्स को भी समटाइम्स सर्व uh, करते हैं अगर उनका हाई कमीशन ना हो तो उस कंट्री में डेट इज़ द पॉइंट एंड देन रोल फोस्टरिंग गुड रिलेशंस विद द होस्ट कंट्री इनका रोल ये होता है कि जो होस्ट कंट्री है उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना है जैसे इंडिया का यू में अगर एम्बेसी है तो उसका पर्पज़ क्या है उसका रोल क्या है टू मेक गुड रिलेशन टू डेवलप गुड रिलेशन विद द यूनाइट नेशन्स सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो हाई कमीशन है इसका बिज़नेस क्या रहता है ये बिज़नेस कमर्शियल एंड अदर इंटरेस्ट भी हैंडल करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के बिना सो हम ये कहते हैं कि जो एम्बेसी है उसका रोल क्या रहता है टू फोस्टर द इंटरनेशनल रिलेशन विद डेट कंट्री एंड जो हाई कमीशन है इसका इंटरनेशनल रिलेशनस प्लस होता है ये सब बिजनेस कमर्शियल एंड अदर इंटरेस्ट को हैंडल करना होता है एंड देन देर इज एज एज फॉर एस एग्जाम्पल इज़ कंसर्न अमेरिका या चाइना का मिशन किसी कंट्री में जो होगा उसको एम्बेसी कहेंगे एंड देन इंडियन मिशन जो यू के या ऑस्ट्रेलिया में है या किसी और कंट्री में है क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्री है उसको हम हाई कमीशन कहते हैं ओके सो दिस इज द पॉइंट ओवर द सो द नेक्स्ट इज साइज जो एम्बेसी है दैट इज़ कंपैरेटिवली ऑफ लार्जर साइज बिकॉज जो डिफरेंट डिप्लोमेटिक पोस्ट होती हैं उस कंट्री के अंदर किसी कंट्री की वो सभी उसी एम्बेसी में होती है दैट इज़ वाई यू कैन से ये काउंसलेट्स uh, को होस्ट करती है जो एम्बेसी है ओके सो एंड जो हाई कमीशन है ये कंपेरेटिवली स्मॉलर होते हैं बिकॉज एक सिंगल इंस्टॉलेशन के अंदर ही सभी एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाती हैं एंड एम्बेसी की वाइडर इंटरनेशनल रिकोगशन होती है इन कंपेरिजन हाई कमीशन की जो रिकोगेशन uh, है दैट इज रेस्ट्रिक्ट कॉमनवेल्थ कंट्रीज ओनली सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्बेसी एंड द हाई कमीशन एंड द एम्बेसडर एंड द हाई कमिश्नर सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे ऑल द बेस्ट